Sage. दिल की धड़कन से तो आए जाना हमारे सब सब के हो जाए आना विस्तार धोरे तो कैसे सोए जाना विस्तार धोरे लो लो लोरी सुनाना जी पहलवान से आ गए बाहर, ये पीछे अपना पहलवान ढाबा है और पहली बार आया मूर्तल में, पहलवान शायद पहली बार आया और एक्सपीरियंस तो ठीक था, स्टाफ बहुत अच्छा है, पोलाइट है, चाय अच्छी थी और पराठे में थोड़ा सा स्पाइसी था, बाकी अच्छा था, जो स्पाइसी खाता उसके लिए बढ़िया था। और बता दें आपको, सफ़र हमने शुरू कर लिया है और हम जा रहे हैं अभी मोरनी हिल्स की तरफ, और मोरनी हिल्स जा रहे हैं और वहाँ पे टिक्कर ताल वगैरह जो तीन चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, और सेम डे का प्लान है, आज ही वापस आएंगे। दिल्ली मूर्थल बहुत बार कर लिया तो डायरेक्ट जो ब्लॉग है वो यहाँ से चालू किया है मूर्थल से, और अब इसके आगे की जर्नी पूरी आप देखेंगे हमारे साथ। अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और अच्छे से हमने थोड़ा स्नैक्स वगैरह ले लिए, चाय पी ली है और थोड़ा सा फ्रेश हो गए हैं, क्योंकि सुबह से निकले तो थोड़ा जाम वाम भी मिला रास्ते में और करते कुराते अभी यहाँ पहुँचे। तो ठीक है, फिर जर्नी कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं फिर सफ़र पे अपने। तो भी सफ़र में अपने साथ तीन लोग और हैं, सबसे पहले तो हमारी सिस्टर पीछे रिचा सिंह से हाय, और ठाकुर दीप्ति ये हमारी कॉमन फ्रेंड है, और अनुश्री ये रिचा की फ्रेंड है, और मेरे को तो आप जानते ही हो। तो चलो यहाँ से निकल रहे हैं, अब पंचकुला की तरफ निकल रहे हैं और सफ़र अपना बढ़िया होने वाला है क्योंकि बंदे साथ में अच्छे हैं। तो जी एक बार फिर से रुके पर्ल ढाबा पे, और जगह कौन सी है ये पता नहीं, ये जगह कौन सी है भैया, है करनाल, करनाल का पर्ल ढाबा है, यहाँ पे रुके हुए हैं, एक वॉशरूम यूज़ करना था थोड़ा सा क्योंकि आज सफ़र में वॉशरूम बहुत ज़्यादा हो रहा है इस्तेमाल में, क्योंकि मौसम थोड़ा सा बदल गया है और अभी भी सफ़र काफ़ी बचा हुआ है, अभी कम से कम 2.5 घंटे का ETA हमारा बचा हुआ है। और चलो फिर एक बार वॉशरूम यूज़ करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जाए जाए।
तो जी ये पीछे हाईवे है और कनाल क्रॉस करके यहाँ पे कहीं रुके हुए हैं। ये पीछे ये भैया किन्नू का जूस निकाल रहे हैं और अभी यात्रा काफ़ी बची हुई है हमारी। अभी टाइम हो रहा है 1:15 बज रहे हैं और ये जूस का सेवन करेंगे और उसके बाद आगे निकलेंगे। और ये सेल्फियाँ चल रही है इधर और एक गाड़ी के अंदर है अभी। तो चलो इसको सेवन करते हैं फिर आगे फटाफट बढ़ते हैं। अभी 2 घंटे अभी बचे हुए हैं। ये कितने का गिलास है वैसे? 50 का। ये 50 रुपये का गिलास दे रहे हैं भैया। और रसीद भी दोगे क्या? टैक्स वैक्स लगा के दे रहे हो 50 रुपये? तो ये है भाई, इसमें क्या क्या मिलाया आपने? ज़्यादा कुछ तो नहीं, नमक मिलाया ना बस भाई। ये है बाकी गाड़ी हमने यहाँ पार्क करी है। तो ये टेस्ट तो बढ़िया है, लग रहा है फ्रेश पी रहे हैं, कुछ अच्छा सा लग रहा है एहसास। बाकी 50 रुपये का है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लगा पर ठीक है यार, ये लोग ऐसी जगह खड़े थोड़ा सा आउटर है। ये पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं और फिर से वॉशरूम का इस्तेमाल करा हमने। वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, पीछे पेट्रोल पंप है। अब यहाँ से थोड़ी बहुत पहाड़ी वाला एरिया चालू होगा और थोड़ा सा और सफ़र बाकी है 40 मिनट का, और 20-22 किलोमीटर बचा हुआ है। और चलो फिर आगे मज़ा आने वाला है। सुबह मोरनी के रास्ते पे रुके हुए हैं और यहाँ पे कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह कर रहे हैं। व्यू बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इंक्लाइन है और देखो काफ़ी ढलान है यहाँ से। ये देखो काफ़ी ढलान है, तो देखो ये पीछे भैया आ रहे हैं, तो ये देखो कितना ढलान है, ये स्लीप पे पूरा फोटो सेशन कर रहे हैं और बढ़ेंगे फटाफट अब, क्योंकि थोड़ा सा सफ़र और बचा, अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ। और नज़ारे दिखाएंगे अभी आपको हरियाणा के पहाड़। नजारा आपके सामने, वो रहा सामने टिक्कर ताल। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं। हम तो आस पास सांस थमे और रात साथ बात करे क्यों ना, रह लो ना, अब तो आए जाए जाए जाए
जाने में वो लग जाता है। ओ भाई साहब, अरे बाबा, ये कौन सी जगह लाल मिट्टी हरी मिट्टी सब देख एक बहुत है। एटीट्यूड देख लो, उसने देखा भी नहीं। यार ला दूसरी भी आ गई। उसका मना किया साजन मेरा उस पास। पार्किंग का स्पेस 50 रुपीज़ उन्होंने लिया गाड़ी का, मतलब जितनी देर भी आप खड़े कर रहे हो पूरे दिन का है 50 रुपये पार्किंग है। और पीछे पार्किंग है और लेक है उस तरफ। अच्छे जा रहे हैं पहले लेक की तरफ, पहले जाएंगे वॉशरूम।